चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। एक बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स में अल्लाह लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए इनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी गुफ्तगु में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की। और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। इस देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करना। सही बुखारी, हदीस नंबर 59।